लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ऑफ एक्सरसाइज थ्री बी दैट इज लीन इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यहाँ पे भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो अब आप देखिए ये हम इक्वेशन दे रखिये फाइव अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन सेकेंड इक्वेशन दे रखिये फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन जब भी आपको इस टाइप की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं तो आप सबसे पहले देखिए ये इसके सेम होगा ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे तो हम बस इसी का फायदा उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी फाइव अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकेंड इक्वेशन थी हमारी फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टेन थी राइट right? ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी तो हम इस केस में क्या करते हैं हम जब ये देखते हैं ये सेम है इसके और ये सेम है इसके तो हम इसको लेट कर लेते हैं लेट वन अपॉन एक्स प्लस वाई तो हो गया ए के इक्वल एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया बी के इक्वल राइट तो अब ये क्या आ गई इक्वेशन फाइव ए माइनस टू बी इक्वल्स टू वन ये आ गई थर्ड इक्वेशन ये हमने इसे चेंज की वन अपॉन एक्स प्लस वाई को ए माना है तो ये फाइव ए हो गया ये टू बी हो गया इक्वल्स टू माइनस वन सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना भूल गई थी राइट right? इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को देखिए फिफ्टीन ए प्लस सेवन बी इक्वल्स टू टेन तो ये हमने लिख दिया फिफ्टीन ए प्लस सेवन बी इक्वल्स टू टेन ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन राइट अब देखिए यहाँ पे फिफ्टीन है और यहाँ फाइव है फाइव के टेबल में फिफ्टीन आता है थ्री टाइम्स तो हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है थ्री से तो हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाइड बाई थ्री तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थ्री बाय थ्री थ्री से ही मल्टीप्लाई करना है तो ये कितनी आ गई फिफ्टीन ए माइनस सिक्स बी इक्वल्स टू माइनस थ्री और नेक्स्ट थी ही फिफ्टीन ए प्लस सेवन बी इक्वल्स टू टेन अब हमें लेकिन साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि 15 के दोनों के पॉजिटिव साइन है तो हमने नीचे वाले के साइन चेंज कर दिए राइट right? तो ये आ गया कैंसिल हो गया और माइनस का सिक्स है माइनस का ही सेवन है तो ये आ गया थर्टीन माइनस का बी माइनस का थर्टीन बी और इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों माइनस के हैं तो माइनस का थर्टीन हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गए राइट right? तो ये आ गया बी इक्वल्स टू थर्टीन अपॉन थर्टीन तो दैट इज वन आ गया अब हमने कहा पुटिंग बी इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन थ्री थ्री में रखा तो क्या आई थी थर्ड इक्वेशन फाइव ए माइनस टू बी इक्वल्स टू माइनस वन थी तो फाइव ए माइनस टू इन वन इक्वल्स टू माइनस बी वन बी की वैल्यू रख दी वन राइट तो फाइव ए माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन तो फाइव ए कितना आ गया माइनस वन प्लस का टू तो फाइव ए आ गया हमारा वन और ए आ गया वन अपॉन फाइव राइट अब हमने किसको क्या माना था वो देखते हैं हमने वन अपॉन एक्स प्लस वाई को ए की इक्वल माना था तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए की वैल्यू थी हमारी वन अपॉन फाइव देखिए ये ए की वैल्यू है राइट और हमने यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वाई को ए माना था राइट तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसकी इसमें तो एक्स प्लस वाई की वन में मल्टीप्लाई हुई तो एक्स प्लस वाई ही आएगा और फाइव की वन में मल्टीप्लाई हुई तो फाइव ही आएगा राइट right? इसी तरीके से ये आ गई हमारी एक इक्वेशन फिफ्थ और यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं ये हमारी आ गई फिफ्थ इक्वेशन राइट right? अब हमारी आई वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने बी माना था तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई को वन आ गया तो एक्स माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू वन ही हो गई यह आ गई हमारी सिक्स इक्वेशन तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव आ रहा है और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन आ रहा है तो इसको आप सब्सटीट्यूशन मैथड से भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन मैथड से भी कर सकते हैं तो यह आ गया एक्स प्लस वाई ईक्वल्स टू फाइव और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और y एक प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल कर दिए राइट तो ये आ गया टू एक्स इक्वल्स टू सिक्स और x आ गया सिक्स अपॉन टू दैट इज थ्री आ गया अपोटिंग x इक्वल्स टू थ्री इन फिफ्थ इक्वेशन इक्वेशन फिफ्थ में रख रहे हैं तो ये आया थ्री प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव तो वाई कितना आ गया फाइव माइनस थ्री तो वाई आ गया हमारा टू इज द आंसर हमें सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है इसमें दो बार एलिमिनेशन मेथड लगाना है दैट्स इट आप चाहें तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं लेकिन एलिमिनेशन मेथड स्मॉल होता है और बहुत इजीली हो जाता है तो हम इसलिए एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं आंसर